हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अंजना भारती के ब्लॉग में आप सबका वेलकम है। दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ईश्वर से कामना भी करती हूँ कि आप स्वस्थ रहें और अच्छे रहें। तो अभी आरआई सेशन साइड में आई हूँ, तो इधर बारिश बारिश जैसा मौसम हो रखा है। और यहाँ पे आज जो भी एक्टिविटी होगी मैं सब जुड़े रहिए, दिखाऊँगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अपना सपोर्ट और प्यार इसी तरह से देते रहना। और आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि बच्चों को टीकाकरण कराना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में जितने भी जानलेवा बीमारी होती है, इसी टीकाकरण से उस बीमारी से बच्चों को बचाया जा सकता है। तो कभी भी आप बच्चे को अपने भय से टीकाकरण से वंचित ना रखें, और टाइम टू टाइम जैसे भी होता है, जैसे भी हम लोग सजेस्ट करते हैं, उसी टाइम पर आप अपने बच्चों का टीकाकरण ज़रूर कराइए, ताकि उसको बचपन की जानलेवा बीमारियों से आप बचा सकें। तो यहाँ पे एक्टिविटी जो भी होगी दिखाऊंगी, और अपना अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। और दोस्तों देखिए, इधर गांव आने का ये रास्ता है, और लोकेशन कुछ ये है इस तरह से। ये स्कूल है, पीछे साइड देख रहे हैं, ये स्कूल है। और दोस्तों, मैं हमेशा से प्रयास करती हूँ कि आप लोगों के लिए यूज़फुल और अच्छे अच्छे वीडियो मैं बना सकूँ। तो यहाँ पे जो भी एक्टिविटी होती है मैं हमेशा दिखाती हूँ, हमेशा। और उम्मीद भी आप लोगों से करती हूँ कि आप लोग अपना भरपूर सहयोग और अपना प्यार दीजिएगा। और टीकाकरण दोस्तों बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में जो भी जानलेवा बीमारी होती है बच्चों का, उसे प्रोटेक्ट करता है, बच्चों का प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, बच्चों में बीमारी से लड़ने की जो ताकत होता है वो वैक्सीनेशन से ही होता है। तो आप ज़रूर दिलाइए, क्योंकि हर एक गांव में आजकल आंगनबाड़ी केंद्र है। तो सारी सुविधाएं जब गवर्नमेंट दे रही है, तो आपको उस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए, और अपना अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। हम लोग तो प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक अपना सेवा दें, लेकिन लेना है नहीं लेना है वो आप पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे हमारी सहिया भी काफ़ी सहयोग करती है, सेविका भी काफ़ी सहयोग करती है, सभी के सही। तो दोस्तों, मैं एक बार सभी सहिया और सेविका को धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनके सपोर्ट और सहयोग के बिना किसी भी टीकाकरण को हम लोग सफल नहीं कर सकते हैं। क्योंकि वही लोग जाती है जो पूरा ग्रामीणों को समझाती है। हमारे पास तो वो लोग मोटिवेट करने के बाद लाती है, इसके बाद हम लोग समझाते हैं। तो ये टीकाकरण में वो लोगों का काफ़ी सहयोग रहता है। तो जो भी यहाँ पर वैक्सीनेशन होगा, आज जो भी एक्टिविटी होगी मैं दिखाऊंगी, और आप यहाँ पे जुड़े रहिए। अभी आए हैं लाभार्थी, लेकिन अभी एमआर का वैक्सीन खुलेगा। तो एमआर का वैक्सीन हम लोग जब भी खोलते हैं, 5 डोज का रहता है और 10 डोज का रहता है। तो इसमें मैं अभी वेट कर रही हूँ कि एक ही बच्चा भी एमआर के लिए आया है, तो वेट करूँगी। कम से कम 2 बच्चे आ जाएंगे तो वैक्सीन मैं खोल दूँगी, ताकि दवा वेस्ट ना हो। तो अभी इधर से कुछ ऐसे है, तो देखिए और अपना ख्याल रखिएगा इसी तरह से, अपना सहयोग और सपोर्ट देते रहिएगा। मुझे देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे करके लोग दोनों जन आए, लेकिन नहीं दिखे। कभी भी सोया हुआ बच्चा को भिक्षी नहीं लगाया जाता है। उठे रहे हैं छोड़े से तो बच्चा कौन नहीं लगता है। ऐसा करके मारिए, पहला डोज है इस बच्चे का। कितना तरह का बीमारी से बचाएगा इसको, डायरिया, निमोनिया, टीबी, बीसीजी इसी बच्चा को पड़ेगा। तो बीसीजी भी पड़ेगा अभी इसको, बीसीजी नहीं पड़ा है।
Yeah.